Measurement System Analysis MP309 Diploma Third Year Student के लिए जो प्रैक्टिकल है उसमें आज हम अध्ययन कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर का कैलिब्रेशन करने का. सो ऑब्जेक्ट फॉर दैट टू स्टडी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर. इसमें जो एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे वर्नियर कैलिपर, गेज बॉक्स, क्लॉथ, ऑब्जर्वेशन टेबल, स्लिप गेज सेट, स्टैंड अरेंजमेंट नीडेड, एलन की, ऑयल, क्लीनिंग एजेंट एटसेट्रा. अब इसका कार्य करने का सिद्धांत क्या है? द वर्नियर स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग अलाइनमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिस्प्लेड बाई ए स्मॉल टू मेक द फाइन मेजरमेंट्स. ह्यूमन आई कैन ईजीली डिटेक्ट दिस अलाइनमेंट ऑफ लाइन विच इज द मेन फैक्ट दैट ड्राइव ए वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल. एज वी आर सीइंग इन द डायग्राम मेन पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन, द मेन पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर हियर. वी आर सीइंग फिक्स्ड जॉ, मूवेबल जॉ, दिस वन, आउटसाइड जॉ, इनसाइड जॉ, स्क्रू, इसको सेट स्क्रू भी बोल सकते हैं, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, स्ट्रिप. द पार्ट्स एंड फंक्शन, आउटसाइड जॉ टू मेजर लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ स्पेयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर. इनसाइड जॉ टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर और पाइप. स्ट्रिप टू मेजर डेप्थ ऑफ ए बीकर और ए बॉटल. मेन स्केल टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 1 mm. वर्नियर स्केल हेल्प्स टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.1 mm. ऑब्जर्वेशन टेबल जैसा कि आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर ऑन ऑब्जर्वेशन, पोजिशन एट A1, BCD एटसेट्रा, जॉब के ऊपर जहाँ हम लोकेशन लेके लेंगे, रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग जिसको यहाँ N में दिखाया गया है, वर्नियर स्केल रीडिंग जिसके दो पार्ट है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन, कोइंसाइडिंग इसको स्मॉल N से दिखाया, वैल्यू जिसमें N इंटू वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है उससे मल्टीप्लाई करके, और टोटल रीडिंग के अंदर देखें हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू D0 इज इक्वल टू कैपिटल N प्लस स्मॉल N इंटू VC जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है. करेक्ट करेक्टिव रीडिंग D बराबर D0 प्लस C एज शोन इन द टेबल. वर्नियर कैलिपर इट इज हाईली एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस दैट गेजेस टू द थाउजेंड्स of inch the distance between two symmetrical side opposing one another on a object by inclusion of vernier scale make it unique and precise. In order to ensure precision of measurements it is important the calipers are maintained by calibrating them regularly and carefully. अब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है. स्कोप मटेरियल, मैन पावर हैंडलिंग इन इंडस्ट्रीज, इंटरेस्ट फॉर नॉलेज गेन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस एटसेट्रा आर इनके अंदर ही इनका इस्तेमाल किया जाता है. एप्लीकेशंस इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट like length, width, depth, outside diameter, bore diameter, internal diameter. Procedure. अब क्या procedure हम adopt करेंगे इसके लिए? Step number 1. तो सबसे पहले clear the caliper jaw and track greases, dirt, any other foreign material by wiping them completely clean with a cloth. Step number 2. Ensure the
Gear slide smoothly across the track by moving it back and forth. Step 3. Close the jaw together and note the reading. At this time, the dial should be read 0. If does not, manually adjust the dial to 0. ध्यान दीजिए, ये एक्टिविटी मेन है. अगर यहां हमने 0 सेट नहीं किया, एरर आगे शिफ्ट होती है फिर. Step 4. Check the outer diameter. So, first by inserting a 0.500 inch, that is equal to 12.7 mm. Gauge block in between the caliper jaws, close the jaws or touching the block and reading the recorded. Step 5. Repeat step number 4 with a 1 inch 25.4 mm gauge block and then 4 inch 101.6 mm gauge block and record the readings. Next step, repeat step number 4 using the appropriate size micrometer standard, that may be 150, 200 and 300 gauges block. Well recorded these readings. Step 7. Check the internal diameter jaw by setting the calipers to 12.7 mm and locking them into place. Measure the jaw width with another pair of calibration calipers or calibrated calipers. Record the readings. Step 8. Repeat the step number 7 for 25.4 mm and 101.6 mm, यानी कि 1 इंच और 4 इंच ब्लॉक के लिए, सेटिंग एज वेल एज फॉर द एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ कैलिपर 150, 200 एंड 300 गेज ब्लॉक माइक्रोमीटर स्टैंडर्ड. रिकॉर्ड द रीडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस. स्टेप नंबर 9. परफॉर्म ए हाइट चेक बाय सेटिंग ए 12.7 mm गेज ब्लॉक onto the surface plate. Extend the caliper above the block and then close it until it is just touching the gauge block. Record the readings. Step 10. Repeat step number 9 for both 25.4 mm and 101.6 mm gauge block. Next, place the correct size micrometer standard onto the surface plate and extended the caliper above it. Then close the caliper until it is just touching it. Record all the readings as well as observations. In this step ko dekhne se hum pata chal raha hai. In this way, we calibrate vernier caliper for accuracy, precision measurements in inspection department, quality assurance department, workshop practices, maintenance departments, etc. Some questions may be arise during this, like that, how to calibrate a vernier caliper, dial caliper, how to zero a vernier caliper or dial caliper, how to use vernier caliper or dial caliper, how to clean steel lens steel with lemon juice and baking soda. GD Mehra Lecture, Khetan Polytechnic, Rajasthan, Jaipur. Thank you.